टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर की छतारी पुलिस ने एक मुर्दा उसकी मौत के 15 दिन बाद न सिर्फ जिंदा ढूंढ निकाला बल्कि उसे उसकी पत्नी और उसके एक दोस्त के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भी भेज दिया। दरअसल बीते 24 सितंबर को जिस राजकुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी पुलिस ने उसे जिंदा ढूंढ निकाला है। क्या है इस मुर्दे की जिंदा होने तक की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। जो दुनिया के लिए मर चुका था पुलिस ने उसे जिंदा ढूंढ निकाला। मौत के 15 दिन बाद पुलिस के साथ जिंदा लौटा राजकुमार। अपनी मौत की खूनी स्क्रिप्ट का खुद लेखक है राजकुमार। मौत के ठीक 15 दिन बाद मुर्दा हुआ जिंदा। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में एक महिला समेत जिन तीन लोगों को आप देख रहे हैं ये तीनों एक ऐसे थ्रिलर स्क्रिप्ट के राइटर हैं, जिसे पढ़ने के बाद एक बार को तो बुलंदशहर पुलिस खुद सन्न रह गई। तिरंगे के ठीक आगे मुंह पर गमछा बांधे जो शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शख्स अलीगढ़ निवासी राजकुमार है। वो राजकुमार जो पुलिस की फाइल में मृत दर्ज हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि जो शख्स 15 दिन पहले ही मर चुका हो आखिर वो जिंदा कैसे आ सकता है, तो वो हम आपको बताते हैं। दरअसल राजकुमार को जिंदा ढूंढ निकाला बुलंदशहर की छतारी पुलिस ने। वो छतारी पुलिस जो अब से 15 दिन पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ इसी राजकुमार की हत्या का मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, मगर राजकुमार की हत्या की गुत्थी सुलझा रही पुलिस उस वक्त खुद उलझ गई जब उसे अपने खास मुखबिर से राजकुमार की जिंदा और बिल्कुल सही सलामत होने की खबर मिली। दरअसल बीते 24 सितंबर को छतारी पुलिस को बहलोलपुर में शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि मृतक की गर्दन काट कर न सिर्फ उसकी निर्मम हत्या की गई थी बल्कि पहचान मिटाने के लिए मृतक का चेहरा भी जला दिया गया था। जामा तलाशी करने पर मृतक की जेब से जो आधार कार्ड बरामद हुआ उसे उस वक्त मृतक की पहचान अलीगढ़ निवासी राजकुमार के रूप में हुई। मृतक की पत्नी ने भी शव को अपने पति का शव बताया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव मृतक की पत्नी को सौंप दिया। मगर इस घटना में पुलिस के कुछ अनसुलझे सवाल इसलिए सिर के बल खड़े थे क्योंकि पुलिस के लिए समझना मुश्किल हो रहा था कि जब मृतक की पहचान मिटाने के लिए हत्यारों ने मृतक का चेहरा तक जला दिया तो फिर कातिल आखिर मृतक की जेब में आधार कार्ड क्यों छोड़ गए। और इसी सवाल को आधार बनाकर पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस खुलासे में सामने आया कि राजकुमार जिंदा है और उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर न सिर्फ अपनी मौत की खुद पटकथा लिखी है बल्कि उसे अंजाम देने के लिए आरोपी ने पहले एक शराबी को अपने कपड़े पहनाए और फिर उसकी गर्दन काट कर निर्मम हत्या कर दी। शव को अपनी पहचान बनाने के लिए चेहरे को जला दिया और मृतक की जेब में राजकुमार अपना आधार कार्ड रख फरार हो गया। और जंगल में लाए और खत्म कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हम वापस चले गए। फिर हम फरार हो गए। फिर हम 3 तारीख में मेरठ से गिरफ्तार किए गए। वो अपने आरडी कपड़े सब से पहना दिए थे। वो योगेश कुमार था, उसे 500 रुपये का लालच दे के ये विवाह कर दिया था। अच्छा, मारा कैसे? दांती से। दांती से। देखिए, दिनांक 24/9/20 को सुबह के समय ग्राम बहलोलपुर थाना छतारी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था जिसके गले पर किसी चीज़ से दराती आग से रेतने के निशान थे। चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया था लेकिन उस मृत व्यक्ति के पॉकेट में राजकुमार पुत्र बाबूराम निवासी दिनावली अकराबाद अलीगढ़ का आधार कार्ड मिला था। तो हम लोगों को संशय उसी दिन हो गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मार करके जलाने का प्रयास चेहरे को करता है तो उसका आधार कार्ड क्यों छोड़ेगा। इसके बाद मृतक का मोबाइल फ़ोन भी गायब था। जिस व्यक्ति के आधार कार्ड मिला था उस व्यक्ति को ट्रेस किया गया, उसके परिवार से संपर्क किया गया, उसका मोबाइल नंबर मिला। उस मोबाइल नंबर को जब ट्रेस किया गया तो मोबाइल नंबर अलीगढ़ में एक जगह बेचा गया पाया गया। उस व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके पास मोबाइल था,
उसने बताया कि 24 तारीख को सुबह 10 बजे एक व्यक्ति ने मोबाइल फ़ोन बेचा था। जब उसे आधार कार्ड दिखाया गया जो मृत व्यक्ति के पॉकेट से मिला था, तो उसने उसको देखने के बाद बताया कि इसी व्यक्ति ने ये मोबाइल फ़ोन बेचा था। तो इतना स्पष्ट हो गया था कि 23/24 की रात में जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी वो जिंदा है। इसके बाद पुलिस अनवरत, छतारी पुलिस इंस्पेक्टर और इनकी पूरी टीम अनवरत इस प्रकरण में प्रयास करती रही और लंबे प्रयास के बाद अभियुक्त, जो अपने को मृतक के रूप में दर्शाना चाह रहा था, अपना आधार कार्ड एक मरे हुए व्यक्ति के पॉकेट में डाल दिया था, उसे गिरफ्तार किया गया। उसका एक अन्य साथी धर्मेंद्र शर्मा भी साथ में गिरफ्तार हुआ। पूछताछ पर जानकारी में आया कि मृतक की पत्नी भी इस साजिश में सम्मिलित थी। उसे पता था कि उसका पति जिंदा है, लेकिन पति को मृत दर्शाने के इरादे से वो भी उसमें सहयोग कर रही थी। उसे भी सह अभियुक्त के रूप में लाया गया। जो जांच से कहानी निकल के आई कि ये राजकुमार व्यक्ति जो अपने को मृत घोषित कराना चाह रहा था या अपनी हत्या दिखाना चाह रहा था, इसके ऊपर हत्या का एक मुकदमा है जिसमें कई साल जेल में रहा है, जमानत पर बाहर आया है। अलीगढ़ जनपद में क्वारसी थाने में 363-376 IPC के एक मुकदमे में लगातार वांछित चल रहा है। तो इन मुकदमों से अपने को बचाने के लिए इसने एक साजिश रची और एक नशेड़ी टाइप के व्यक्ति को, जो अभी ट्रेस नहीं हो पाया है फुल्ली, योगेश सिसोदिया जिसका नाम बताया जा रहा है, वो एक शराब के ठेके पर शराब पीता था, उसको 500 रुपये पर एक दिन का काम कराने के बहाने पिला करके ये लोग अपने साथ लाए। अपना कपड़ा उसे पहनाया कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मिट्टी लग जाएगी, मिट्टी का काम है, और अपने कपड़े पहना करके साथ में ले आए और लाने के बाद उसकी हत्या कर दी, चेहरे को जला दिया ताकि पहचाना न जा सके, उसके पॉकेट में अपना आधार कार्ड डाल दिया। इस तरह से ये लोग चले गए। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दराती और रॉड बरामद कर लिया गया है। अब हम उस मृतक व्यक्ति जिसकी हत्या की गई है उसकी तलाश कर रहे हैं, काफ़ी सूचनाएं उसके बारे में हैं, एक दो दिन में वो भी ट्रेस हो जाएगा जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि राजकुमार के खिलाफ अलीगढ़ में हत्या और रेप का मामला दर्ज है। रेप के मामले में तारीख न करने की वजह से कोर्ट राजकुमार के घर की कुर्की कराने के आदेश दे चुका है और इन्हीं सब से बचने के लिए राजकुमार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शराबी 500 रुपए देने का लालच दिया और फिर उसे छतारी इलाके में लाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस खौफनाक पटकथा में आरोपी राजकुमार की पत्नी भी हमराज थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी राजकुमार, उसके दोस्त और पत्नी को गिरफ्तार करते हुए इनके गुनाह को बेपर्दा कर दिया। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस ने हत्यारोपी राजकुमार, उसकी पत्नी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि घटना में प्रयुक्त एक रॉड और दराती भी हत्यारोपी से बरामद की है। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस मृतक योगेश सिसोदिया को ट्रेस करने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन तानिश गफ्फार और सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।